हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंद्रकांत कोटेचा, आपका दोस्त, और आज हम बात करेंगे राग बिहाग की। बिहाग की एक स्वर मालिका है जो कि तीन ताल में है। हम आज इसकी बात करेंगे और इसकी नोटेशन के साथ हम समझेंगे, सीखेंगे। इससे पहले हम राग बिहाग का परिचय ले लेते हैं। तो राग बिहाग का एक दोहा है पहले। आरोहन में रेध वर्जित गावत राग बिहाग, आरोहन में रेध वर्जित गावत राग बिहाग, प्रथम प्रहर निशि गाइये सोहत गनी संवाद। तो ये राग बिहाग वैसे बिलावल थाट का माना जाता है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में बिहाग बिलावल थाट का ही माना जाता था। इसमें तीव्र मध्यम आता ही नहीं था, लेकिन अभी अभी बहुत प्रचलन हो चुका है कि इस राग में तीव्रम मध्यम का बहुत अधिक प्रयोग हो चुका है। इसलिए कुछ कुछ लोग इसे कल्याण थाट का भी मानते हैं। प्राचीन ग्रंथों में बिलावल थाट का माना जाता है। इस राग में जाति ओडव संपूर्ण है, कारण कि आरंभ में रे और ध दोनों वर्जित है, अवरोह संपूर्ण जाति का है। बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं, लेकिन मध्यम तीव्र और शुद्ध दोनों का प्रयोग होता है। तीव्र मध्यम का कभी कभी ही प्रयोग होता है पंचम के साथ, प म ग म ग, इस तरह से। इस राग में वादी ग है, संवादी नी है। इसका गाने का समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। न्यास के स्वर है सा ग प और नी। इसका मिलता जुलता राग है यमन कल्याण। तो इसके आरोह अवरोह देख लेते हैं।
देखते हैं इसकी बंदिश तीन ताल में, जो कि नौवीं मात्रा से शुरू होती है। ताल है तीन ताल 16 मात्रा का, स्पीड है 140 बीट्स पर मिनट 140 BPM और स्वर है काली पांच यानि ए शार्प और बी फ्लैट। Ga ma pa ni ba ni
पहली लाइन नौवीं मात्रा से शुरू होती है सा म ग प नि द सा नि प ग म ग सा म ग प नि द सा नि प ग म ग सम है नी प ग म ग दूसरी लाइन प प म प म ग स नी पहला म तीव्र है दूसरा म शुद्ध है प प म प म ग स नी प नी सा ग स म ग सा अब दूसरी लाइन दूसरी तरह से भी है पिछला आठ मात्रा का पोर्शन दूसरी तरह से है प प म प म ग स नि प नि सा म ग स नि बेसिक लगेगा थोड़ा ऑफ बीट करके गाते हैं थोड़ा मात्रा को छोड़ के फिर मात्रा पकड़ लेते हैं देखिए बेसिक कैसे होता है ग म प नि प नि सा नि सा नि सा नि प अब देखिए ऑफ बीट में ग म प नि प नि सा नि सा नि सा नि प ग म प नि नि सा नि प ग म प नि प नि सा नि सा नि सा नि प दूसरी लाइन नि सा ग म ग सा नि र प म प ग म ग सा नि नि सा ग म ग सा नि
सानी रा पा मा पा गा मा गा सानी दूसरी लाइन भी लास्ट पोर्शन चार मात्रा का पोर्शन दूसरी तरह से गा सकते हैं। देखिए कैसे नी सा ग म ग सा नी सा नी र प म प ग म प म ग म ग रे सा सा म ग प नी द सा नी प ग म ग अब आठ मात्रा का मुकड़ा लेके बाकी आठ मात्रा में तान लेते हैं। देखिए कैसे तान वन बाय वन स्लोली बताता हूँ। सा म ग प नी द सा नी प ग म ग यहां से तान उठानी है। सा म ग प नी द सा सा नी द प म प ग म प ग म ग रे सा सा म ग प नी द सा सा नी द प म प ग म प ग म ग रे सा दूसरी तान सा म ग प नी द सा सा रे सा नी द नी द प म प ग म ग रे सा सा रे सा नी द नी द प म प ग म ग रे सा सा म ग प नी द सा सा रे सा नी द नी द प म प ग म ग रे सा सा म ग प नी द सा जब भी म प तो वहां तीव्र म आएगा ग म ग यहाँ शुद्ध म आएगा म प ग म ग रे सा तीव्र म प ग म शुद्ध म ग रे सा सा रे सा नी द नी द प म प ग म ग रे सा सा म ग प नी द सा प नि सा प नि सा प नि सा नी द प म ग रे सा प म ग प नी द सा प नि सा प नि सा प नि सा नी द प म ग रे सा सा म ग प नी द सा पनी सा नी द प म ग रे सा
पनी सा पनी सा पनी सा नी द प म ग रे सा सा म ग प नी द सा नेक्स्ट वन सा नी द प म प ग म प म ग रे सा सा म ग प नी द सा सा नी द प म प ग म प म ग रे सा सा म ग प स्वर मालिका और कुछ ताने, कुछ और ताने मैं आपको दूसरे विभाग के जब और कोई ट्यूटोरियल बनाऊंगा तो कुछ और नई ताने इसके साथ दूंगा।
आज के लिए इतना काफ़ी है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को भी आपने आशा करता हूँ सब्सक्राइब कर दिया होगा। मैं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक्स अ लॉट। आभार। धन्यवाद।